आज की वीडियो में जो आप ये मार्बल देख पा रहे हो, इस मार्बल की वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड करी थी अपने मेन चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हो आज वो मार्बल लोड हो रहा है। बात करते हैं इस प्राइसिंग की। ये जो मटेरियल है कस्टमर ने 70 रुपीज़ में परचेज़ किया है और वीडियो के अंदर मैंने 70 रुपीज़ ही इसकी प्राइस बताई थी। तो कस्टमर ने मकराना विजिट करके इस मार्बल को सिलेक्ट किया है और उसी प्राइस में सिलेक्ट किया है जिस प्राइस में मैंने वीडियो में बताया था। और उसी के साथ एक स्लैब है जो ये कस्टमर ने परचेज़ करी है। ये स्लैब जो है सिंगल स्लैब जो है 1000 स्क्वायर फीट की है और क्वालिटी की बात करें तो मकराना चकडूंगी मार्बल की ये स्लैब है। बड़ी स्लैब होने की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी हाई रहती है। अगर इसकी प्राइसिंग की अगर अपन बात करें तो अबो 200 आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिलती है। वही अगर आप इसकी छोटी स्लैब लेते हो 200-300 तो आपको कम प्राइस देखने को मिलती है। तो आपके बजट के अंदर आपकी छोटी स्लैब आ सकती है। मार्बल जो है कस्टमर के घर पे कंप्लीट डिलीवर हो चुका है। तो चलते हैं और सुनते हैं कि कस्टमर को कैसा लगा यहाँ पे आके और मार्केट का सर्वे करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारे कस्टमर आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से। ये मेरे से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 साल हो गया होगा इनको मेरे से कनेक्ट हुए हुए, और आज ये यहाँ पे आए हैं मकराना मार्बल लेने के लिए। इनका कंप्लीट मार्बल जो है लोड हो चुका है, इनका गाड़ी जो है लोड हो चुका है, जो कि अभी आपने पहले देखा होगा। कंप्लीट मैंने मटेरियल दिखाया है जिसमें इन्होंने चकडूंगरी मार्बल, माताबर मार्बल, अलग अलग क्वालिटी के अपने बजट के हिसाब से इन्होंने सिलेक्शन किया है। तो इनसे सुनते हैं कि इनको कैसा लगा मकराना आके, और अगर ये प्लान बना रहे थे पहले ऑनलाइन लेने का, फिर उनके पास टाइम था, छुट्टी थी, हॉलीडे था, तो यहाँ पे आए और अपनी आंखों के सामने आके एक एक चीज़ को देखा और अपनी आंखों के सामने ही मार्बल को लोड करवाया। तो अंकल जी आप बताइए आपको कैसा लगा, और आपके बारे में बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ, राजनांदगांव जिला पड़ता है। मैं बहुत दिनों से मार्बल खरीदने के विचार में था, अपने घर में लगाने घर बनाने पर था, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा था मैं कैसा करूँ क्या करूँ। छुट्टी नहीं मिल पा रही थी तो मैं सोचा चलिए एक बार भी जन्माष्टमी की छुट्टी मिली तो मैं चलो घूम के आएगा, घूमना भी हो जाएगा, मार्बल देखना हो जाएगा। जब मार्बल देखने के लिए आया तो मैंने मकराना से बाना मार्बल से मैंने खरीदा है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट पूरे संपर्क किया यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा मार्बल, सस्ता और अच्छा मार्बल मिला। मैंने मकराना के चकडूंगरी मार्बल, माताबर मार्बल की स्लेब और टाइल्स भी लिए हैं जो मुझे अच्छे रेट पे मिले, जो दूसरे दुकानदारों से भी कम रेट में था, अच्छा था, दोनों अच्छे मिले। और उनका जो ओम है और उनके पिताजी हैं, उनका व्यवहार, उनके काम करने वाले जो लेबर हैं उनका व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा पसंद आया। इन्होंने हमारे लिए आने से पहले मैंने फ़ोन किया तो एक होटल की व्यवस्था कर दी थी, अब घूमने की बात हुई तो उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था कर दी, इससे अभी हम लोग पूछकर घूम के आए। जिसे इनका व्यवहार उसे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो यही बोलूँगा अगर आप लोग को भी चाहिए तो एक बार बाना मार्बल आके देखिए, पसंद आए तो लीजिए। ये अपने कंप्लीट फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे, तो इनका घूमने का भी दोनों इनका मोटिव कंप्लीट हो चुका है। मार्बल लेने का भी काम हो गया और पोस्टर हो गया, और जो भी राजस्थान की जो टूरिस्ट प्लेस थी अच्छी जगह वहाँ पे भी ये अपना टाइम स्पेंड करके आए। तो यही बोलता हूँ कि अगर आप अच्छा मार्बल लेना चाहते हो तो मकराना विजिट करिए। मकराना में आपको बहुत सारी शॉप है, ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ हमारे से मार्बल लीजिए या हमारे पास ही डायरेक्ट आइए, मार्केट की कई शॉप देखिए और एक बार पाना मार्बल विजिट जरूर करिए। ये मैं आपको बोलूंगा, विजिट करने से आपको क्या होगा, अगर तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी क्वालिटी और जो प्राइस है वो आपको मार्केट से डाउन ही देखने को मिलेगी, और क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो इनके साथ आंटी जी भी आई है, आंटी जी ने भी अपना टाइम यहाँ पे दिया है। तो कैसा लगा आपको, आपके हिसाब से आपने तो हमारी वीडियो देखी नहीं होगी, अंकल जी ने देखी होगी ज्यादा, तो आपको कुछ लगा ऐसा कि भाई आप दूर आए हो या नई जगह यहाँ पे आए हो? तो ऐसा लगा जैसे हम घर में आए हुए हैं। जी बस, तो वही चीज होता है, फैमिली के बीच में आए हैं। इनके साथ इनके बड़े लड़के और छोटे लड़के भी आए, तो इन्होंने भी बहुत हेल्प करी है सिलेक्शन करने में मार्बल का भाई कौन सा अच्छा लगेगा। यही फायदा होता है अगर अपन कंप्लीट फैमिली के साथ आते हैं तो अपन अपनी चॉइस के हिसाब से मार्बल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपन अकेले आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, डिसाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। फैमिली के साथ आते हैं तो अपना डिसीजन जो है बेस्ट रहता है। और मेजरमेंट में भी अंकल जी को मैं बोलना चाहूँगा, बताइए कि आपको मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम आया, या फिर कोई क्वालिटी में जो बताया भाई फ्रेशनेस या मेजरमेंट किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत लगी? नहीं, मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मकराना मेजरमेंट 369 है, उसमें हमको मार्बल ज़्यादा ही मिलता है।
जी। और जहाँ पे मार्बल क्रेक थे तो उन्होंने पहले बता दिया कि यहाँ पे मार्बल क्रेक है, वहाँ से हट के उसकी नाप हुई है, उसमें नाप जोक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा मार्बल मिला और नाप जोक भी अच्छा मिला। तो मेजरमेंट में भी अंकल जी को नहीं मालूम था कि कहाँ पे क्रेक है, कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हमने इनको चला के बताया, हमने इनको स्पेशली बताया कि अंकल जी देखिए ये क्रेक है, ये अपना मेजरमेंट लेस है, इसे 2 इंची 3 इंची अपन को बेनिफिट और मिलेगा। तो ये करके हमने इनको एक एक चीज गाइड करी है और फिटिंग मिस्त्री भी इनको हम ही प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का मार्बल लेने के साथ फिटिंग मिस्त्री भी अच्छा होना जरूरी है। आप चाहे कपड़ा कितना भी महंगा ले लीजिए, अगर आपका जो दर्जी अगर अच्छा नहीं रहता है तो आपका कपड़ा खराब कर देगा, वैसे ही मार्बल के अंदर है। अगर आप कितना भी महंगा मार्बल ले लीजिए या चाहे कितना भी अच्छा मार्बल ले लीजिए, अगर आपका मिस्त्री अच्छा नहीं है तो उस मार्बल की जो वैल्यू है वो एक अच्छा मिस्त्री आपको निकाल के दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अगर मकराना मार्बल लेना है तो एक बार हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।